दोस्तों अभी के समय में अगर आप एक नया स्मार्टफोन बाय करने के लिए सोच रहे हैं आपके लिए या फिर आपके फैमिली में से किसी के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ मैं 12,000 से नीचे मिलने वाले 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स। और इन तीनों ही स्मार्टफोन पर आप लोगों को दोस्तों बेस्ट डिजाइन, बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले एंड गेमिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं करते हैं पहला स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों अभी फिलहाल आप लोगों को जो है 11,000 में दिखने को मिलते हैं ऑफर के साथ, बिना ऑफर के 12,000 में, जो कि इतना प्राइसिंग में आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, जो कि दोस्तों रियलमी की तरफ से Realme 12X 5G स्मार्टफोन। इस फोन का डिजाइन हमें दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे स्मार्टफोन का बिल्ड प्लास्टिक का है एंड इसके फ्रंट में हमें एक बड़ी सी सेंटर कंसोल डिस्प्ले दिखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 6.72 इंच का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली 120Hz रिफ्रेश रेट वाली एक IPS LCD डिस्प्ले है, जिसमें हमें 950 nits की पीक ब्राइटनेस भी दिखने को मिलता है। तो स्मार्टफोन का डिस्प्ले बढ़िया है दोस्तों, ब्राइटनेस एंड कलर्स वगैरह अच्छा है। और डिस्प्ले के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में हमें MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर दिखने को मिलता है, जिसका अंतर्निहित स्कोर दोस्तों 400,000 प्लस आता है। और इस फोन में हमें LPDDR4X की रैम सपोर्ट, UFS 2.2 की स्टोरेज सपोर्ट दिखने को मिलता है। तो स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस हमें काफी बढ़िया दिखने को मिलेगा प्राइसिंग के हिसाब से। इस फोन में आप गेमिंग वगैरह आराम से कर पाओगे बिना किसी लैग के एंड डे टू डे टास्क वगैरह स्मूथली चल जाएगा। और परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो इसके बैक में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन कैमरा है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, प्लस इस फोन में हमें 2MP का एक डेप्थ सेंसर दिखने को मिलता है और इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की हमें एक सेल्फी कैमरा दिखने को मिलता है। तो कैमरा सेटअप भी अच्छा है दोस्तों, क्वालिटी वगैरह हमें काफी बढ़िया दिखने को मिलने वाला है। और कैमरा के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी दिखने को मिल जाएगा, जो कि 45W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा। तो बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है दोस्तों एंड फास्ट चार्जिंग भी 45W का है, तो प्राइसिंग के सबसे ये अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इस फोन के कुछ और फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 की रेटिंग एंड सभी इंपॉर्टेंट सेंसर दिखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉइड 14 के साथ, और इस फोन में आपको 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट से दिखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो इस फोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट हमें अभी के समय में 12,000 में दिखने को मिल जाता है। तो 12,000 में ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एंड अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों एक 10,000 का स्मार्टफोन है। 12,000 में अगर आप उसका ज्यादा रैम वाला वेरिएंट लोगे तब बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। और ये स्मार्टफोन है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से Moto Z34 5G। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का डिजाइन हमें कुछ इस तरीके से दिखने को मिल जाता है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस फोन का वेगन लेदर का बैक भी हमें दिखने को मिलता है, बाकी इस फोन का बिल्ड भी दोस्तों प्लास्टिक का है। इसके फ्रंट में हमें एक बड़ी सी सेंटर कंसोल डिस्प्ले दिखने को मिलता है एंड इस फोन का डिस्प्ले जो है वो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले है, जो की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है और 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ एंड 500 nits की हमें ब्राइटनेस दिखने को मिलता है। तो डिस्प्ले काफी बढ़िया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर दिखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 6nm प्रोसेसर है एंड इस प्रोसेसर का अंतर्निहित स्कोर जो है इस फोन में भी 4,40,000 तक आता है। एंड इस फोन में भी हमें LPDDR4X की रैम सपोर्ट, UFS 2.2 की स्टोरेज सपोर्ट दिखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगा, इस फोन में भी आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह एंड डे टू डे टास्क स्मूथली कर पाओगे बिना किसी लैग के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, तो इसके बैक में भी ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50MP का मेन कैमरा है एंड इसके फ्रंट में 16MP की हमें सेल्फी कैमरा दिखने को मिलता है। तो वह कैमरा सेटअप भी अच्छा खासा है, 16MP की सेल्फी कैमरा है, तो क्वालिटी काफी बढ़िया रहेगा। और अब हम लोग बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी दिखने को मिलता है, जो की 20W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा। तो बैटरी बैकअप अच्छा खासा दिखने को मिल जाएगा, लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा कम है। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं इस फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में हमें दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा डॉल्बी एटमॉस के साथ, IP52 का रेटिंग, 12 5G बैंड के सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.1, सभी इंपोर्टेंट सेंसर दिखने को मिल जाएगा एंड आउट ऑफ बॉक्स ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉइड 14 के साथ, और 1 साल की हमें एंड्रॉइड अपडेट और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट से दिखने को मिलेगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें इस फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट हमें 10,000 से 11,000 में दिखने को मिलता है, और इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट हमें 12,000 में दिखने को मिलता है। तो 8GB और आप खरीदिएगा, जो की अच्छा रहेगा प्राइसिंग के हिसाब से। एंड अभी हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, और इस फोन का प्राइसिंग भी दोस्तों 10,000 ही रहने वाले है एंड इसका भी आप ज्यादा वेरिएंट लोगे, जैसे कि 6GB और 8GB वाला वेरिएंट लोगे
तब आपको 12,000 पड़ेगा। और ज्यादा रैम वाला आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, ये भी स्मार्टफोन आप सभी के लिए परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए 12,000 में, जो कि है दोस्तों पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, वैसे स्मार्टफोन लगभग 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, खासकर गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ इस तरीके से है जैसा कि स्क्रीन पर देख पाओगे, एंड फ्रंट साइड में हमें एक सेंटर कंसोल डिस्प्ले दिखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 6.79 इंच की फुल HD+ LCD डिस्प्ले है, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 550 nits की पीक ब्राइटनेस दिया जाएगा। तो स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी बढ़िया है दिखने में, एंड स्मूथ भी रहेगा, डिस्प्ले काफी बड़ी है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में स्नैपड्रैगन का 4 Zen 2 वाला एक 4nm प्रोसेसर दिखने को मिलता है, एंड एंटूटी स्कोर भी काफी बढ़िया निकल के आता है। इस फोन में आप दोस्तों गेमिंग वगैरह कर पाओगे बिना किसी लैग के। LPDDR4X के रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। बात करें कैमरास के बारे में, तो बैक साइड में 2 कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, एंड सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा सेटअप भी डिसेंट है प्राइसिंग के हिसाब से। बात करें बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो 5000mAh के स्मार्टफोन में बैटरी दिखने को मिल जाएगा, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, तो बैटरी बैकअप अच्छा खासा दिखने को मिल जाएगा, लेकिन चार्जिंग थोड़ा सा कम स्पीड होने वाली है, लेकिन इस फोन में आपको चार्जर इन द बॉक्स दिखने को मिल जाता है। बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, एंड IR ब्लास्टर भी दिखने को मिलते हैं, एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉइड 13 के साथ, आपको 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट दिखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें, दोस्तों इस फोन का आपको 4GB और 128GB वाला वेरियंट मिल जाएगा 9000 में, जो की आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा 9000 में। तो ये था दोस्तों टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 12,000। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो यार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।